इसका विशेषण पढ़ना है। चलो कौन इसके पहले कोई पूछना है किसी को? कई लोग नए हैं वैसे आज अपने पास में, देखो कौन कौन है, थोड़ा सा अपन उनका परिचय प्राप्त करते हैं। भारती जी गांधी और कौन है, निकिता जैन, कांता जैन, संपत जैन, स्वप्निल, ये लोग नए हैं। ठीक है, मोस्ट वेलकम। हाँ अपन क्या कह रहे हैं, ये देखो कोई पूछना है यहाँ तक दोपहर को कौन कौन लोग नहीं थे उनके लिए थोड़ा सा रिवाइज करवा देंगे। कौन कौन नहीं थे दोपहर को हाथ खड़ा करना। अच्छा रितु जी नहीं थी आज। बैंक चालू है क्या आपकी? हाँ सर। अच्छा अच्छा, मिनल जी भी नीचे, ठीक है। और इनके लिए कौन समझाएगा हाथ खड़ा करना, कौन समझाएगा? मिनल जी एक मिनट, मिनल जी। हाँ जी। हाँ आप लोग भी दोपहर को नहीं थे ना? नहीं नहीं। अच्छा आप लोगों ने अभी किसी ने पढ़ा क्या नवा अध्याय? नहीं। ठीक है, कौन समझाएगा बोलो, जो आज अपन ने पढ़ा था दोपहर को उसको कौन समराइज करके बताएगा? इन लोगों को समझाना है, आप लोग कोशिश कर लो पहले, फिर इनको नहीं आएगा समझ में तो मैं समझाऊंगा। ये किताब भी चालू रखते हैं एक मिनट, ताकि ये बुक सामने रहेगी तो समझ में आएगा इजीली। कीर्ति जी कोशिश, कीर्ति जी ने अच्छा है, बोलो कीर्ति जी बोलिए। एक मिनट, सूत्र जो इस वाले सूत्र में बताया था कि जो गुण श्रेणी निजरा होती है, तो इसमें जो 10 स्थान बताए हैं, तो जो 10 स्थान है उसमें पहले स्थान से अगले स्थान में, जैसे पहले से दूसरे, दूसरे से ऐसे जाते हैं, तो हर स्थान के बाद जो नेक्स्ट है उसमें असंख्यात गुणी निजरा होती है। पहले स्थान के बाद दूसरे स्थान में असंख्यात गुणी, दूसरे से तीसरे, इस तरह से इन्होंने 10 स्थान टोटल बताए हैं। तो पहला स्थान था सम्यक दृष्टि का, दूसरा श्रावक, तीसरा व्रत, चौथा अनंतानुबंधी विसंयोजक, पांचवा दर्शनमो छपक, छठा उपशमक, उपशांतमो छपक, क्षीणमो जिन। तो ये क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा वाले होते हैं। तो ये परिणामों की विशुद्धि से होते हैं। जैसे सबसे पहले सम्यक दृष्टि बताया था, लेकिन सम्यक दृष्टि से पहले उन्होंने एक जो सतिशय मिथ्या दृष्टि है, मतलब वो लब्धिकरण लब्धि में जो आ जाता है मिथ्या दृष्टि जीव, उसके जो निजरा होती है वहां से स्टार्ट किया था। उसकी जो निजरा होती है उससे असंख्यात गुणी सम्यक दृष्टि जो हो चुका है, सम्यक दृष्टि उसकी होती है, मतलब जो प्रथमोशम सम्यक प्राप्त करने वाला ही है जीव, उसकी जितनी निजरा हो रही है उससे असंख्यात गुणी निजरा सम्यक दृष्टि की होती है। तो ये पहला स्थान था। फिर सम्यक दृष्टि के जो निजरा होती है जितनी असंख्यात गुणी, परिणामों की विशुद्धि से और अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव पूर्वक जो निजरा होती है वो श्रावक की होती है, मतलब पांचवा अवस्थावती जो श्रावक है, जिसकी अप्रत्याख्यानावरण कषाय जो है उसका क्षयोपशम है या अभाव है उसके होती है। फिर उसके बाद व्रत के, व्रत मतलब इसमें छठवा और सातवां ग्रस्थान लिया गया था, मतलब जो मुनिराज है, सम्यक दृष्टि मुनिराज है, उनके जो परिणामों की विशुद्धि से और तीन कसाय चौकरी के अभाव पूरा जो मतलब निर्जरा हो रही है वो इन दोनों मतलब श्रावक से असंख्यात गुनी हो रही है। उसके बाद और ये जो एक ही जीव की बात है, मतलब सबसे पहले उसी जीव को सम्यक दृष्टि लिया, फिर श्रावक और व्रत, एक ही जीव है जो विरत जीव था, अब उसी विरत उसी जीव के यदि अब वो सबसे पहले अब उसको
छपड़ा करनी है दर्शन होनी की, तो उसके पहले वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा। तो परिणामों की विशुद्धि से जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है वो जो विरत की थी उससे असंख्यात गुनी होती है। फिर जब विसंयोजना हो जाती है, विसंयोजना के बाद छपड़ा करना है, तो वो जो दर्शन मुख की छपड़ा कर रहा है मतलब अब वो छायक समिदृष्टि हो गया, वो मुनिराज एक ही जीव की बात है, इसलिए उसी जीव की जो निर्जरा हो रही है वो अनंतानुबंधी विसंयोजना से असंख्यात गुनी हो रही है। फिर वही जीव, वही जीव है तो जो उपशम श्रेणी चढ़ता है, तो उपशम श्रेणी सातवें के सतिशा अप्रमत जो गुणस्थान होता है वहां से स्टार्ट होती है, वहां से करण जो तीन करण होते हैं वहां से, उसमें जो पहला करण होता है वो वहां से स्टार्ट होता है सातवें के, दूसरा जो सतिशा अप्रमत होता है। तो परिणामों की विशुद्धि से जो विसंयोजना करता है वो, सॉरी विसंयोजना नहीं, जो निर्जरा कर रहा है वो असंख्यात गुनी है, किससे, जिसने छपड़ा करी थी। फिर उसके बाद इसी, अब इसको एक ही ले लिया उन्होंने, उपशमक, उपशमक में आठवां नौवां दसवां होता है गुरुस्थान, सातवें से, सातवें के सेकंड पार्ट से शुरू होकर सातवां आठवां नौवां दसवां, तो उनकी जो होती है असंख्यात गुनी होती है, बढ़ती बढ़ती जाती है, मतलब सातवें से आठवें, आठवें से नौवें, नौवें से दसवें। फिर ये सब उपशांत में थे। फिर उसके बाद जो था, उसके बाद था उपशांत कसाय, नाम दिया था उन्होंने उपशांत कसाय। तो उपशांत कसाय की जो उपशमक से है वो असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। तो फिर इतना बता दिया। अब उसी जीव की बात कर रहे हैं तो वो नीचे आएगा, उसकी बात नहीं की, नीचे आके फिर से वो श्रेणी चढ़ता है, यदि छपक श्रेणी चढ़ेगा अब वो फिर से सातवें से शुरू करेगा। तो जो उपशांत मोह कसाय जो लास्ट ग्यारहवां गुणस्थान थी उसकी जितनी निर्जरा है वो निर्जरा जो सातवें छपक श्रेणी वाले के सातवें से जो सेकंड पार्ट है उससे स्टार्ट हो रही है वो असंख्यात गुनी है। ऐसे बढ़ते बढ़ते यदि वो छपक श्रेणी वाला आठवें नवे दसवें वो बढ़ती जाती है उसकी निर्जरा, और जो दसवें के बाद बारहवां गुणस्थान आता है बारहवें में, उसको छपक बोल देते हैं, छीणमो बोलते हैं, सॉरी छीणमो की असंख्यात गुणी होती है उसकी निर्जरा। और फिर उसके बाद जो जिन बन जाते हैं क्योंकि बारहवें में, फिर उन्होंने बताया था दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा, दूसरा शुक्ल ध्यान होता है एकत्व वितर्क अविचार, उसके द्वारा बारहवें गुणस्थान से जब वो तेरहवें गुणस्थान में प्रवेश कर रहा है जिन की संज्ञा पाने वाला है तो उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो इन्होंने ऐसे करके दस स्थान बताए थे। फिर इसमें आपने ये बताया था कि इसमें जो चार स्थान है वो जरूरी नहीं है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो थे सम्यक दृष्टि, श्रावक, उपशमक और उपशांत कसाय, क्योंकि इसके बिना भी जीव मोक्ष जा सकता है, क्योंकि यदि मुनिराज सीधे ही सातवें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं अपने परिणामों की विशुद्धि के बल से तीन कसाय चौकड़ी का अभाव करके, तो सातवें से छठे में आते हैं, उसके बाद वो सीधे यदि छपक श्रेणी चढ़ते हैं तो इनका ये चार स्थान माइनस हो जाते हैं। ये आपने समझाया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें एक दो चीज मैंने जो है समझाने में मेरे कमी रह गई थी, वो मेरे को अभी समझ में आई कि मेरी क्या गलती रह गई थी इसमें। जो है अपन ने एक चीज बोली थी अभी, जैसे कीर्ति जी ने बोली कि जो जो निर्जरा है वो विरत से अनंतानुबंधी की भी संयोजना करने वाले की ज्यादा होती है, ये तो ठीक बोला था। इसमें भी इतना है कि जब वो विसंयोजना कर रहा है ना तब उसकी ज्यादा होगी, विसंयोजक है वो, विसंयोजना कर नहीं ली, और दर्शन मोह छपक है, छपक छपक मतलब छपड़ा हुई नहीं है, छपड़ा हुई नहीं है मतलब जब वो छपड़ा कर रहा है ये तब की बात है, छपड़ा होने के बाद की निर्जरा कम रहेगी, और छपड़ा जब कर रहा है तब निर्जरा ज्यादा होगी, क्योंकि छपड़ा करते समय उसके परिणामों की विशुद्धि अधिक होगी और काम हो जाने के बाद उतनी विशुद्धि नहीं रहेगी, जब काम करना है तब उसके उत्साह ज्यादा है। मतलब क्षयिक सम्यक दृष्टि की बात नहीं है ये, जब कोई जीव क्षयिक सम्यक प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है ये तब की बात है। तो इसलिए दर्शन मोह छपक का मतलब जो दर्शन मोह की छपड़ा कर रहा है ऐसे जीव को लेना है, न कि उसको लेना है कि जिसने दर्शन मोह की छपड़ा कर दी है। ये अपन ने दोपहर में स्पष्ट थोड़ा नहीं किया होगा इसलिए ये थोड़ी सी एक चीज रह गई है। ऐसे उपशमक का मतलब वो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, छपक का मतलब वो छपक श्रेणी चढ़ रहा है, उपशांत मोह माने वो उपशम श्रेणी चढ़ के उपशांत मोह गुणस्थान को प्राप्त हो चुका है, क्षीण मोह मतलब वो क्षीण मोह गुणस्थान को प्राप्त हो चुका है, जिन माने अनंत भगवान हो चुका है। तो ये गुणस्थान के ये जो है स्थान है, ये इन स्थानों के नाम दिए यहाँ कि इन स्थानों में क्रम क्रम से निर्जरा जो है वो अधिक अधिक है।
क्या समझ में आ रहा है सबको? बहुत ही ऊंचा वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन अब क्या करें, आ गया जो आ गया यही आ गया। दूसरी बात इसमें ये एक तो कि अपने जो भी जितनी भी मिसकंसेप्शन है वो सब इससे दूर होते हैं। अपन तो ये मानते हैं कि निर्जरा का कारण क्या है मालूम है? क्या मानते हैं अधिकांश अपन लोग? जिसके जितने उपवास होंगे उसके उतनी ज्यादा निर्जरा होगी। कई लोग तो उपवास निर्जरा के ज्यादा करने के चक्कर में उपवास खूब ठोकते हैं और उपवास में मर भी जाते हैं। निर्जरा हो जाएगी, निर्जरा होने के चक्कर में शरीर चले जाता है। या निर्जरा तो बाद में होगी, शरीर की निर्जरा पहले हो जाती है। विशेषार्थ में सब आएगा गुण श्रेणी निर्जरा। तब तो क्या बात हुई है अभी? तो ये जो है ना निर्जरा क्या किससे होती है ये क्लियर समझ में आएगा आपने को। देखो चौथा गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि सामायिक के काल में बैठा है, आत्मस्वरूप का ही ध्यान कर रहा है। और पांचवा गुणस्थानवर्ती व्यापार व्यवसाय कर रहा है, दुकान पे बैठा है अथवा और तो स्त्री सेवन आदि कार्य कर रहा है, तो भी किसके निर्जरा ज्यादा है बताओ? हाँ सबका आंसर सही है, पांचवें गुणस्थानवर्ती। अब कार्य क्या हो रहा है? अपन कार्य से अनुमान लगाते हैं हर चीज का, हिसाब ये कर लिया है तो ये हो गया और ये कर लिया तो ये हो गया और इसका ये हो जाएगा। और लोगों की दृष्टि जो है वो काय पे है? हम सबकी दृष्टि बहिरंग क्रियाओं पे, काय पे दृष्टि हमारी बाहर की क्रियाओं पे। और ज्यादा होगा हमारी दृष्टि थोड़ी सुधरेगी तो परिणाम तक आ जाएगी। फिर अंदर जो अभिप्राय की जो हमारे भूल चलती है या अभिप्राय में जो निर्मलता आती है और उससे जो कर्मों में विस्फोट होता है वो हमारे की उस पर दृष्टि नहीं जाती। अब बोलो क्रिया तो पांचवें गुणस्थानवर्ती की खोटी है लेकिन उसका अभिप्राय जो है चौथे वाले से भी ज्यादा निर्मल है, क्योंकि उसके अंदर में उस जाति की कषाय भाव नहीं है। उसके अनंतानुबंधी और अप्रत्यय दो कषाय चौकड़ी का भाव है, उसके पांच पाप करने का भाव उतना नहीं है जितना चौथे वाले का। सर्वार सिद्धि के देवों के आपने नाम सुना है? सर्वार सिद्धि के देव होते हैं, सबसे ऊंचे वाले देव होते हैं ये, देवों में सबसे उत्कृष्ट। क्या करते हैं वो पूरे जीवन भर? क्या करते हैं बताओ? तत्व चर्चा करते हैं पूरे जीवन भर, धर्म चर्चा ही करते रहते हैं और कोई काम ही नहीं उनका। तो जो 33 सागर धर्म चर्चा करते हैं और एक जीव पूरे 8 घंटे दुकान पे बैठा है, किसकी निर्जरा ज्यादा होगी बताओ? ये ध्यान रखना है भैया, मैं किसी को दुकान पे बैठने के लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं तो कल से सब समझेगी यार ये तो बहुत ही बढ़िया पढ़ाते पंडित जी, इतने अच्छे पंडित जी तो कहीं मिले ही नहीं जो केवे 8 घंटे दुकान में बैठो निर्जरा ज्यादा और 37 सागर तक सर्वार सिद्धि में धर्म चर्चा करने पे भी निर्जरा कम। पूरी बात समझना है, आधा अधूरा मत समझना, भी तो कल से ही प्रवचन में जितने दिख रहे हैं अभी ये उतने भी कम हो जाएंगे। किसकी निर्जरा ज्यादा है बोलो? 37 सागर तक धर्म चर्चा कर रहा है एक जीव और एक आदमी 8 घंटे दुकान पे बैठा है, निर्जरा किसकी ज्यादा है? दुकान में बैठने वालों की अपने को पूछना पड़ेगा, दुकान में बैठने वाला जीव है कौन, क्या है, कौन है वो? यदि वो पांचवें गुणस्थानवर्ती है और सर्वार सिद्धि के देव का गुणस्थान कौन सा होता है? चौथा। तो चौथे से पंचम गुणस्थानवर्ती के निर्जरा अधिक है। व्यापार व्यवसाय करने के काल में भी बोलो, क्या गजब बात है, क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर की परिणति उतनी शुद्ध है, उसके दो कषाय चौड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति बराबर निरंतर कायम है।
आपको मालूम कमाई दो तरह से होती है, जिन जिनको कमाई करनी है वो सब आ जाए। बिल्कुल ध्यान से सुने एकदम, कान यदि कभी इधर उधर लगा रखे हो स्पीकर तो कान में और घुसेड़ लो अंदर अच्छे से। कमाई के साधन बता रहा हूं मैं, लेकिन ये उदाहरण रूप है। एक तो होती है फिक्स कमाई, फिक्स, और एक होती है नॉन फिक्स, मतलब ये यूं कहें कि एक बिना मेहनत की कमाई है और एक मेहनत की कमाई है। दुकान पे जो बैठ के कमाई कर रहे हैं अपन, बहुत सारे दुकानदार भी यहाँ पे हमारे शैलेन जी और भी बहुत सारे लोग हैं क्या, तो जो दुकान की कमाई है ये मेहनत की कमाई है। और एक बिना मेहनत की कमाई है, ब्याज बट्टे की कमाई होती ना, जिन लोगों की कुछ नहीं करते हो, क्या करते हो, घर में बैठे हैं आराम, लॉकडाउन हो चाहे अनलॉकडाउन हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका तो ब्याज का मीटर घूम रहा है। तो उनकी जो कमाई है वो तो चली रही है, मतलब वो जैसे एफडी करा रखी है, तो चाहे लॉकडाउन हो, बताओ एफडी से कुछ फर्क पड़ेगा क्या है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एफडी वाले तो और सोचेंगे, अच्छा यार 20 दिन खर्चा भी नहीं हुआ कछु, पॉकेट से कुछ निकले ही नहीं पैसे, जो है पर्स ऐसा का ऐसा पड़ा है, अपने आप पत्नी भी चिल्ला नहीं सकती ज्यादा, क्योंकि है ही नहीं सब्जी दुकान वाला कोई नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च तो हो नहीं रहे, और पैसे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं बताओ, पैसे तो पूरे बढ़ रहे हैं, एफडी चल रही है उनकी तो रोज, दिन पे दिन गुजर रहे हैं, तो उनकी इनकम बिना मेहनत के भी इनकम हो रही है, उतनी उनकी इनकम फिक्स है। मतलब कितनी, जो एक इसको कहता हूं मैं इन्वेस्टमेंट इनकम, कौन सी इनकम है ये, इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इन्वेस्टमेंट आपने एक, मतलब एक बार जो वो इनकम है वो चली रही है, क्या वो एफडी की इनकम चली रही है, जो भी है वो इनकम चली रही है, अब वो इनकम तो है, और अब ये वाली जो अपन दुकान पे बैठ के जो इनकम कर रहे हैं वो भी इनकम है। तो जिसकी इन्वेस्टमेंट इनकम बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है, तो दुकान पे नहीं बैठने पर भी वो कमा रहा है, कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, ऐसे हैं कितने लोग एक नहीं दुनिया में बताओ, देखे कि नहीं देखे, आप लोगों ने देखे होंगे ना, कितने लोग घर बैठे आराम से कमा रहे हैं फिर भी, और कोई आदमी की इन्वेस्टमेंट इनकम कुछ नहीं, बेचारे को रोज दुकान लगानी पड़ती है, सब्जी का ठेला लगाना पड़ता है, उसके उतनी इनकम होती है, उससे वो अपना घर चलाता है। तो बताओ अपन सेठ आदमी किसको कहेंगे, ये आप लोगों से प्रश्न है मेरा, इसमें सबसे में समझदार है, सबके आंसर बिल्कुल ऐसे आएंगे इसमें, कौन आदमी सेठ है, किसकी कमाई ज्यादा है, सुमन जी ये आंसर तो आप बता ही दोगे, बताओ किसकी है, सुमन जी आपसे पूछ रहा हूं, बैठ के खा रहा है ब्याज खा रहा है, ब्याज खाने वाले की इनकम बहुत ज्यादा है ना, वो कुछ नहीं करता हुआ दिख रहा है, कुछ करता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं करता हो दिख रहा है, बल्कि और उड़ा भी रहा हो, अभी घर में अच्छे से खर्च भी कर रहा हो, तो भी उसका इनकम कंटिन्यूस चल रही है। तो ऐसे ही दो प्रकार की इनकम होती है, एक तो शुद्ध परिणति की इनकम, काय की इनकम, शुद्ध परिणति की इनकम, और एक शुद्ध परिणाम, मतलब अभी जो परिणाम अपन कर रहे हैं, एक अभिप्राय की इनकम और एक परिणाम की इनकम, दो तरह की इनकम है, काय काय की, अरे आप लोग थोड़ा जवाब दोगे तो मेरे को गुस्सा रहेगा भाई, हाथ खड़ा करो, रेज द हैंड, कौन कौन सी इनकम है दो तरह की, बोलो अनु जी बोल रहे, चल बोलो, अभिप्राय और परिणाम की। तो अपने को तीन, एक और तीसरी एक और चीज है एक्चुअल में, इसमें क्रिया की, इसकी क्रिया की। तो अब क्या है कि सारी दुनिया को दिखने में कौन कौन सी चीजें दिखती है मालूम आपको, दो चीजें दिखती है, एक तो क्रिया दिखती है और एक दिखते हैं परिणाम, ये दो सबको दिखते हैं, दो इनकम दिखती है, लेकिन तीसरी इनकम किसी को नहीं दिखती है, कौन सी इनकम, अभिप्राय की। जैसे कोई आदमी पूजा करने गया है ना, तो पूजा करने वो गया तो हमें उसकी पूजा की क्रिया दिख रही है, हमें उसके चलो परिणाम भी अच्छे दिख रहे हैं कि यार इसके परिणाम अच्छे हैं, लेकिन हमें उसका अभिप्राय नहीं दिख रहा है कि अभिप्राय क्या है इसका,
और जो उसका उसका अभिप्राय बहुत खोटा हो सकता है। उसका अभिप्राय ये कि यार मैं पूजा इसलिए कर रहा हूँ कि पड़ोसी साला जल्दी से जल्दी मर जाए, हो सकता है ना ऐसा अभिप्राय, मेरा शत्रु का नाश हो जाए, क्या पड़ोसी दुखी हो जाए, उसके घाटा लग जाए, क्या और मेरे जो है बाल बच्चा पैदा हो जाए, मैं केस जीत जाऊं, ये अभिप्राय होते कि नहीं होते दुनिया वालों के, बताओ। तो करता हुआ तो वो क्रिया में तो क्या दिख रहा है, पूजा करता हुआ दिख रहा है, पूजा करता हुआ दिख रहा है, परिणाम भी अच्छे हैं, लेकिन उसके अभिप्राय की बहुत खोट है, तो अभिप्राय में वो लूज कर रहा है, रोज वो परिणामों की खोट पने की वजह से क्या कर रहा है, निरंतर हानि हो रही है उसके, समझ में आ रही है ना बात। अब दूसरा व्यक्ति है, समझ लो उसको व्यापार व्यवसाय करना पड़ रहा है, लेकिन उसका अभिप्राय ये कि हे प्रभु मैं इसके इन सबसे कब छूटू और मैं कब संत साधु बनू, संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ू मैं मोक्ष पथ पर वह घड़ी कब आएगी। उसकी क्रिया क्या हो रही है, दुकान पे तराजू नाप रहा है ना, लोगों के चीजें नाप रहा है, पैसे गिन रहा है, क्रिया नोट नापने की है, लेकिन अभिप्राय क्या है, सब छोड़ने का। और दूसरा दुनिया दूसरा व्यक्ति मंदिर में पूजा कर रहा है, भगवान के आगे चढ़ा रहा है शांतिनाथ के, और वो कह रहा है शांतिनाथ इतना माल आपके पास था 6 खंड का, थोड़ा बहुत तो मेरे पास आ जाए, इतने बड़े भगवान की पूजा कर रहा हूँ तो इतनी छोटी छोटी चीज तो होनी चाहिए मेरे को। तो अभिप्राय जो है उसका माल का है, भगवान की पूजा नहीं कर रही है भगवान के गुणों के लिए, वो वास्तव में भगवान की पूजा अपने धन के लिए कर रहा है। एक तो धन में सुख बुद्धि नहीं है और उसकी भावना ये है कि कब धन परिग्रह का त्याग हो, और एक को धन में सुख बुद्धि है, पूजा कर रहा है भगवान की लेकिन चाहता है धन, बताओ किसका अभिप्राय अच्छा है, किसका अभिप्राय अच्छा है बताओ। अरे क्या बात है, कोई बोलने वाला कोई नहीं है। हाँ राजेश जी बोलो। जिसका धन परिग्रह छोड़ने का अभिप्राय उसका अभिप्राय अच्छा है। हाँ जिसके धन परिग्रह छोड़ने का अभिप्राय है, मजबूरी समझ के करता है, उसका अभिप्राय ज्यादा निर्मल है। और जो संसार की चीजों को मजबूरी नहीं समझता, जिसमें उसका रस है, क्या उसका हर काम में संसार के हर कार्य में जिसका रस पड़ा हुआ है, मतलब सीधी सी बात है देखो कि जिसको इंद्रिय सुख की लालसा है वो भगवान की पूजा भी इंद्रिय सुख के लिए कर रहा है। क्या के लिए कर रहा है, इंद्रिय सुख के लिए। और जिसको अतिंद्रिय सुख की लालसा है वो संसार के सारे काम मजबूरी से करता है, और लालसा उसकी ये है कि हे प्रभु कब ये इंद्रियों की गुलामी मिटे, कब शरीर का अभाव हो, और कब मैं अतिंद्रिय आनंद और अतिंद्रिय ज्ञान को प्राप्त करूं। तो एक को भगवान बनने की लालसा है, वो संसार के काम करता हुआ भी संसार से छूटने की भावना करता है, और एक को संसार की अभिलाषा है, वो धर्म के काम भी संसार के लिए करता है। तो दोनों के अभिप्राय में अंतर है कि नहीं बताओ। और ये बहुत बड़ा अंतर है, ये दिखता नहीं है अपने को, दिखता है क्या, क्रिया दिखती है। अभी 10 उपवास ठोक ले तो आदमी भले ही मर रहा हो, आखिरी 9वें दिन अस्पताल में पहुंच जाए, लेकिन उसका जुलूस निकलेगा, लोग उसको पार्टनर कराने जाएंगे, एक आध चम्मच देंगे और बोले भैया धन्य हो गए, हम भी धन्य हो गए, ये भी धन्य जय भगवान महावीर स्वामी की। क्या क्योंकि हमारे चित्त में बैठा यही है कि भाई इसने भूखा रहा, भले इसने जुलूस के लिए निकाला हो अपना 10 उपास, किसी भी कार्य के लिए किया हो, उपास 10 किए ना निर्जरा ज्यादा इसके होगी। हमारा अभिप्राय पे ध्यान ही नहीं जाता कि उसका अभिप्राय क्या है, उसका परिणाम क्या है, हमारा ध्यान सारा किस पे, क्रिया पे। तो ये अपन इसीलिए यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि भाई निर्जरा का स्वरूप समझो, 5वें गुणस्थानवर्ती विषय व्यापार, विषय का सेवन करता हुआ, व्यापार करता हुआ है, ये सब करते हुए भी उसकी निर्जरा ज्यादा है, और 4वें गुणस्थानवर्ती धर्म चर्चा करते हुए भी उसकी निर्जरा कम है। क्या है अंतर है कि नहीं, कोई बहुत बड़ा अंतर समझने की बात है कि नहीं। स्थूल दृष्टि से देखना चाहिए धर्म को कि सूक्ष्म दृष्टि से, बता हम कैसे देखते हैं, बहुत स्थूल दृष्टि से, हमारी दृष्टि बस ये है कि भैया
थाली में से द्रव्य चढ़ गया, पूजन हो गई, भाव तो सब ठीक है, लगे नहीं लगे, हमने पूजा बोल ली, काम खत्म। क्या अपने मंदिरों में जो कलश में और शांति धारा में इतनी भीड़ लगती है उसका कारण क्या? शांति धारा तो लोगों को बहुत पसंद है ना। आजकल तो शांति धारा में भगवान के नाम की जगह लोगों के नाम भी जुड़ गए, ये फलाने की शांति हो, बाकी सब की अशांति हो, शांति इसकी हो क्योंकि पैसे इसने दिए, बाकी ने तो नहीं दिए। किस किस ने शांति धारा में लोगों के नाम सुने? अच्छा आपकी भी हो रही है बेंगलोर में कीर्ति जी, लोगों के नाम की, वाह यार बहुत ही तरक्की हो रही है सब जगह। अच्छा अमन जी आपने भी सुन रखी है, कहाँ पे है? सर तिलक नगर में भी सुनी है, बट हैदराबाद में जो होती थी शांति धारा वहां पे ये चीज नहीं होती थी, मतलब वहां पे प्रॉपर जैसा सब मतलब पूरे जगत की शांति के हिसाब से ही करते थे, तो वहां पे काफी अच्छा रहता था। विमल दादा जी ने वहां पे पूरी परंपरा मतलब जो सेटअप करवाया था उनका कि अभिषेक कैसे करना क्या करना, वहीं पे प्रतिष्ठा जो हुई थी तो वो उस मंदिर में ही हुई थी। अखिलेश जी आप क्या कैसी होती गोयल नगर में? गोयल नगर में सुना सर क्या नाम वाली? नाम वाली या पैसे वाली? अच्छा अच्छा तो उनकी शांति के लिए उनका नाम होता है, वो शांति धारा में उनका स्पेशल नाम आता है। बुंदेलखंड की यात्रा में भी सुनी? अच्छा हाँ अच्छा वो तो आप है ना। तो ये जो है ये सब में अभिप्राय जो है ना बहुत बहुत मतलब मलिनता है। देखो अभिप्राय की क्यों इतनी भीड़ लग रही भैया भगवान के, एक बात बताओ क्या भगवान की जिनवाणी पढ़ने में कम विशुद्धि है? हैं? और हम यदि जैसे जो कलश होते हैं कलश अभी भी इतना सब ये सब चल रहा है सारा, और फिर भी कई मंदिरों में भगवान के कलश के टाइम पे भीड़ उमड़ रही है, इतना होने के बावजूद उमड़ रही कि नहीं उमड़ रही? तो इसका मतलब क्या है कि वो जो क्रियाएं हैं पर्टिकुलर उनमें आज भी लोगों का ये अभिप्राय है कि यदि हमने ये नहीं की तो हमारा तो अकल्याण हो जाएगा। क्या मतलब क्रियाओं में ज्यादा लोगों का रस पड़ा हुआ है, अभिप्राय की निर्मलता पे ध्यान नहीं है। अभी मैं हमारे एक सहपाठी पंडित जी उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे को एक नई बात बताई। उन्होंने कहा कि पंडित जी मैंने जो जिंदगी में जितने लोग मंदिर में नहीं देखे, बोले वो सब भी मंदिर में दिख रहे हैं। मैंने कहा यार ऐसा क्यों हो गया? बोले दो कारण, एक तो उनको फुर्सत मिल गई तो अब घर में करे क्या हो, एक तो क्या लोगों के लिए समय काटना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने कहा यार भगवान की कम से कम पूजा भक्ति कर लो कम से कम इस टाइम। क्या तो अच्छी बात है, वो कोई बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, वो उसका कोई वो नहीं है। दूसरा बोले क्या है कि कम से कम और कोई कारण नहीं तो इसी कारण से अपने कम से कम पाप उपसर्ग टल जाए, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अभिप्राय यदि यही है केवल, क्या वो तो ठीक है परिणाम सुधारने की अपेक्षा करो यदि तो उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कुछ चीजों का जो अपनी आजकल बहुत ज्यादा वो है कि हमको ये एक्टिविटी करनी क्या, और वो भी एक्टिविटी बिल्कुल ये शांति धारा होगी तो भगवान पे होगी या अंतर जी पे होगी, किस पे होगी? एक अंतर जी पे करेगा एक भगवान पे करेगा, जिसको अंतर जी पे करानी है भगवान पे कर रहा होगा तो हाथ खींच के कहेगा ये अंतर जी पे करो, जिसको भगवान पे करानी होगी वो हाथ को धक्का देके कहेगा भगवान पे करो। मतलब ये स्थिति हमारे यहाँ की इन एक एक एक्टिविटी में एक एक क्रियाओं में लोगों का बहुत दिमाग दौड़ता है और हर आदमी ऐसा समझता है कि मेरी पूजा की एक्टिविटी सबसे सही है और मेरे अलावा जितने भी पूजा कर रहे हैं वो सब पापी है, उनको आता ही नहीं कुछ भी, क्या उनको कुछ भी नहीं मालूम है, दे डोंट नो एनीथिंग, ना उनको पूजा की क्रिया सही है उनकी, ना उनकी कोई धर्म की क्रिया एक्टिविटी सही है। मतलब सारा का सारा जोर किस पे है? परिणाम पे भी नहीं है। मैं तो आज ये देख रहा हूँ कि परिणाम पे भी किसी का जोर नहीं है, सबका जोर किस पे है? क्रिया पे। और उस पर 10 जने टोक देंगे, यदि समझ लो कोई क्रिया ठीक नहीं होगी तो उसको 25 जने टोकने वाले होंगे, पंडित जी आपने क्या किया ये है, आपने एक हाथ से कलश कर लिए। तो मैंने कहा अब क्या होगा, मेरा एक हाथ कट जाएगा, इसका मतलब क्यों? ये दो हाथ से कलश नहीं किए, एक हाथ से कलश कर लिए तो पता ही नहीं क्या होगा। और जिन जिन जगह ये है कि भैया एक ही हाथ से करना है, यदि दो हाथ से हो जाए तो गड़बड़,
तो आदमी बेचारा करे क्या, अपने बच्चे लोग मंदिरों में जाते हैं उनको इतने रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं कि बेचारा सोचता है यार मैं क्या क्या करूं। किसी मंदिर में गंदोदक पहले लेने की कही जाती है, किसी में पूजा के बाद करने की कही जाती है, तो 50 रिस्ट्रिक्शन है, तो आदमी बेचारा थक जाता है। इसलिए अपन कह रहे हैं भैया सबसे पहले धर्म का स्वरूप समझो, धर्म है क्या। धर्म केवल बहिरंग क्रियाओं का नाम नहीं है, बहिरंग क्रियाओं से धर्म में आदमी को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। बच्चों को धर्म में जोड़ना है तो सुमन जी कैसे जोड़ेंगे, क्रियाओं से, मंदिर आओ, पूजन करो, कलश करो। लेकिन एक बार जब वो पूजन कलश करने लग गया, मंदिर में आने लग गया, तो अपने को उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं, कि भाई इन पूजाओं का अर्थ क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, मोक्ष किसका नाम है, निर्जरा किसका नाम है, निर्जरा किससे होगी, कषायों का अभाव क्या है, मिथ्यात्व क्या है, सार तत्व क्या है, छह द्रव्य क्या है, समझना पड़ेगा कि नहीं बताओ आप, क्या समझना पड़ेगा। बिना समझे मन भी नहीं लगेगा, थोड़े समय तक तो वो देखा देखी करता रहेगा, फिर जब उसका मन नहीं लगेगा तो चले जाएगा, फिर वो आएगा ही नहीं। नए बच्चे आते ही नहीं, इसलिए क्यों नहीं आते, क्योंकि हम उनको समझाते ही नहीं। समझाए बिना आप किसी को नहीं लगा सकते। आपको सबसे पहला काम करना चाहिए किसी भी आदमी को धर्म में लगाना है तो समझाओ हम ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फायदे हैं, इससे क्या लाभ है, धर्म हमारे लिए सुखकारी कैसे है, और धर्म नहीं करेंगे तो क्या क्या हानि होगी, संसार में क्या क्या दुख है, मोक्ष में क्या सुख है, संसार सुख का क्या स्वरूप है, मोक्ष सुख का क्या स्वरूप है, ये सब बातें अपने को समझानी पड़ेगी। आज हमारी कमी क्या है, हम समझाते नहीं, हम तो ऑर्डर फरमाते, तो पूजा करके नहीं आया तेरे घर में नहीं आने देंगे, तो दर्शन करके नहीं आया तेरे रोटी नहीं मिलेगी, रात को खा लिया घर बाहर, जमीकंद खा लिया तेरा मुंह जो है गंदा हो गया, तेरे से बात भी नहीं करना। मतलब हम उसको धमकाते हैं, धमकाने से नहीं होंगे ये सब काम समझाने से होंगे। पहले पाठशालाएं लगती थी, वहां समझाया जाता था, पाठशालाएं लगती नहीं, ऑर्डर चलते हैं सबके, बस ऑर्डर बच्चे मानते नहीं है तो फिर घर में झगड़े होते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों का उपाय है स्वरूप समझे, स्वरूप धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले तो हम क्रियाओं से परिणाम पे आए कि भाई क्रिया तो हमारी ठीक है, जो भी हो रही है अच्छी कर रहे हैं हम, लेकिन हमारे परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे, क्यों हमने पूजन की क्रिया की लेकिन हमारे परिणामों में निर्मलता आई कि नहीं आई, हमारे थोड़ी कषाय मंद हुई कि नहीं हुई, हमारे कुछ पापों से विरक्त बुद्धि, पापों को छोड़ने की बुद्धि हुई कि नहीं हुई, 5 इंद्रियों के विषयों में हमारी विरक्ति हुई कि नहीं हुई, ये हमको होना चाहिए, समझ में आया ना। नहीं तो पूजा करके बाहर निकले और कचौरी वाले की दुकान पे कचौरी खाने लग गए, तो करके क्या आए, तो पूजा करके आए कि पूजन के बहाने अपनी विषयों को तुमने थोड़ी देर के लिए रोके रखा, जैसे बांध होता है ना, बांध में पानी को रोके रखते हैं और जैसे ही बांध का पानी का दरवाजा खुले तो पानी पूरी ताकत से आता है, ऐसे ही इन्होंने कहा साहब 10 पॉल्यूशन चल रहे हैं, अपने कुछ नहीं खाना है, 11वें दिन में पारना तो इस होटल में जाके करूंगा। तो ये सच्ची जो है ना वो नहीं है, सच्चा जो है ना तो हमारी सच्ची क्रिया है, परिणाम तो बहुत दूर की बात है। अब इसके लिए बात तीसरी चीज की बात कर रहे हैं अपन, कौन सी, जो एक और तीसरा पर्दा और एक और, उसका नाम क्या, अभिप्राय। कोई पूजन भी कर रहा है, परिणाम भी पूजन में है, लेकिन उसका अभिप्राय खोटा है, खोटा हो सकता है ना अभी, और वो इंटेंशन क्या है, आप किस इंटेंशन को लेके कर रहे हैं, और यदि अभिप्राय खोटा है तो सब खोटा है, और अभिप्राय निर्मल है तो सब निर्मल, ठीक है ना। इसलिए अपन ने ये सब पढ़ा, तो अभिप्राय 5वें वाले का 4थे वाले से ज्यादा निर्मल है, जो श्रावक है ना उसके अभिप्राय में निर्मलता ज्यादा है, और यदि उसके आप कहो कि साहब निर्मलता ज्यादा नहीं है इसके, ये भले ही वृत्ति है लेकिन निर्मलता नहीं है, तो वृत्ति और निर्मलता नहीं है तो वृत्ति द्रव्य वृत्ति है, भाव वृत्ति नहीं है। यहाँ किसकी बात चल रही है, भाव वृत्ति की, तो भाव वृत्ति होगा जिसके 2 कषाय का अभाव होगा, तो उसके कषाय के अभाव होने से जो अंदर की परिणति शुद्ध चल रही है निरंतर, उससे उसके सतत असंख्यात गुणी 4थे वाले से निर्जरा है। और ऐसे ही मुनिराज के जो शुद्ध परिणति चल रही है 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली, उससे जो उनकी निरंतर वीतरागता वर्त रही है, उससे वो मुनिराज आहार करते हुए भी अधिक निर्जरा वाले हैं। 4थे गुणस्थान वर्ती उपवास करता हुआ भी, 10 उपवास करते हुए भी उसके बंध ज्यादा है, और 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के आहार करते हुए भी निर्जरा ज्यादा है। समझ में आती कि नहीं बात,
अनुराग जी का कुछ प्रश्न, कीर्ति जी का कुछ प्रश्न पूछते हैं हमसे, क्या पूछना बोलिए। ये तो समझ में आ गया, चौथे से पांचवे की है, सही है अभिप्राय, सब कुछ समझ में आ गया। हाँ। लेकिन सरवार सिद्धि के जो है अहमिंद्र, अब उनका क्या अभिप्राय में प्रॉब्लम है? वो तो है, मानते हैं कि कसाई के कारण ही होता है, परिणति शुद्ध होती है, लेकिन अभिप्राय क्यों खोटा है? वो तो अगले भव में जाने वाले है मोक्ष। अभिप्राय देखो, वो जो अप्रत्याख्यान और कषाय है ना, हाँ। उसका सद्भाव उनके है, तो उत्ता उस जो असंयम रूप परिणाम है वो उनके वहां है, संयम रूप परिणाम नहीं है, उस जाति की कषाय है उनके, उस जाति के कषाय होने से उनके बंद है, और पंचम गुण स्थान वर्ती के उस जाति के कषाय नहीं है, इसलिए निर्बंध अवस्था है। वो तो है, एक, है वो तो समझ में आ गया कि उसकी कर्मों की अपेक्षा तो समझ में आ गया, कर्मों की अपेक्षा नहीं, परिणामों में अंतर है, कर्म नहीं और अभिप्राय में अंतर है। अभिप्राय मतलब वो असंयम का अभिप्राय है, उसके संयम असंयम रूप वर्त नहीं रहा है, वो सलवार सिद्धि का देव असंयम भाव रूप वर्तता नहीं है उस समय, लेकिन उसके असंयम की यदि सामग्री मिलेगी तो असंयम भाव रूप प्रवर्त जाएगा, और पांचवे वाले के असंयम की सारी सामग्री है तो भी वो असंयम भाव रूप नहीं प्रवर्त रहा है, तो इसलिए पांचवे वाले की विशुद्धि ज्यादा है, शक्ति अपेक्षा उसकी विशुद्धि ज्यादा है। देखो बाहर में भले ही सर्वार सिद्धि का देव खाते हुए नहीं दिख रहा है, देव कोई खाते हुए दिखते क्या? देव के तो कितने कितने सालों बाद आहार का सेवन होता है, खाया कुछ नहीं रहे, लेकिन फिर भी देवों के अंदर में असंयम भाव कहा है। नारकियों के 33-33 सागर तक एक झूठा मुंह भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या वो उससे संयमी हो गए क्या? नहीं, नहीं हुए, देव भी संयमी नहीं हुए, और ये मनुष्य जो है एकासन भी करे तो वो संयमी है, तो इसका मतलब केवल खाने पीने की चीज से मतलब नहीं, अंदर के वैराग्य भाव से इसका संबंध, कैसे है? वैराग्य भाव से, उस जाति के राग भाव का त्याग है, उस जाति की कषाय का त्याग है, उस जाति के विषयों में इच्छा का त्याग है, विषय है तो भी उसको खाने का भाव नहीं है। मनुष्यों में क्या है देखो, मनुष्यों में सब तरह के कार्य करने की शक्ति है, संयम रूप परिणमने की शक्ति भी है और असंयम रूप परिणमने की शक्ति भी, तो इस ऐसे में क्या है, जो संयम रूप परिणम असंयम रूप परिणमने की शक्ति पूरी है, समझ लो मेरे पास विषय भोग सारे मौजूद है, मेरे पास सारे पैसे है, मेरे को जो करना है कर लो, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास सामग्री होते हुए भी मैं उसको नहीं कर रहा, तो मेरे सचमुच मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे मतलब विरक्ति उसका मतलब उसके ज्यादा है, और एक आदमी ऐसे कि जिसके उसका कोई अवसर ही नहीं है, समझ लो मेरे खाने पीने की कोई सामग्री नहीं है, या सामग्री भी है तो मेरे खाने पीने की ताकत ही नहीं है, या समझ लो ताकत भी है तो मेरे को भूख ही नहीं लगती है। क्या तो वो उसमें संयम का पालन होता हुआ दिखता नहीं। हाँ, देवों के क्या है, शरीर ही ऐसा है, भूख आहार की जरूरत पड़ नहीं रही है, शरीर की ऐसी स्थिति है, लेकिन यदि शरीर उनका मनुष्य मिलेगा तो अपने को पता चलेगा कि उनके आहार की राग कितना घटा है, ठीक है? और कोई प्रश्न इसमें? सौरभ जी ने पूछा है कोई प्रश्न, बोलो सौरभ जी। सर ये मिथ्या दृष्टि से अभिप्राय खोटा है, भाव अच्छा है, वो क्रिया में पूजा कर रहा है, सम्यक दृष्टि का अभिप्राय अच्छा है, भाव पता नहीं कैसा, वो दुकान पे बैठा है, तो अभिप्राय भाव परिणाम और क्रिया तीनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है दोनों केस में। और दूसरा प्रश्न है, क्या क्रिया सर अभिप्राय और भाव के बिना बिल्कुल ऑटोमेटिक होती है दोनों केस में? नहीं, वापस से बोलना प्रश्न, दोनों वापस से रिपीट कर देना। मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय खोटा है, हाँ। भाव अच्छा है और पूजा कर रहा है, क्रिया में पूजा करते हुए दिख रहा है, हाँ। सम्यक दृष्टि का अभिप्राय बिल्कुल अच्छा है, भाव जो भी है और दुकान पे बैठा हुआ है, तो अभिप्राय परिणाम और क्रिया तीनों बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट, मतलब तीनों इंडिपेंडेंट है आपस में, नंबर एक। नंबर दो, ये क्रिया क्या बिल्कुल ऑटोमेटिक होती है जब अभिप्राय अच्छा है बुरा है? दो तो प्रश्न है। हाँ, मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय अच्छा, ये कहा आपने यूं? मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय तो खोटा है,
और परिणाम अच्छा है और मंदिर में वो क्रिया के फॉर्म में पूजा कर रहा है, ये क्रिया कर रहा है, ये हो गया। दूसरा गृहस्थ का अभिप्राय बिल्कुल बढ़िया है, परिणाम जो भी है और दुकान में बैठा हुआ क्रिया में दिखाई दे रहा है कि बिजनेस कर रहा है। तो मतलब अभिप्राय, परिणाम और क्रिया तीनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तीनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। देखो क्या है, अभिप्राय का और परिणाम का तो कोई, अभिप्राय और क्रिया परिणाम बिल्कुल दो, ये क्रिया परिणाम एक तरफ है और अभिप्राय एक तरफ है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं। मतलब रिलेशन ये नहीं है कि कोई आदमी के क्रिया परिणाम क्या चल रहे हैं और अभिप्राय कुछ और हो सकता है। तो अभिप्राय जैसे सम्यक दृष्टि का अच्छा है वो, लेकिन फिर भी वो भाव भी अच्छा और क्रिया में वो दुकान पे बैठा हुआ है, बिजनेस कर रहा है या कोई भी निगेटिव काम कर रहा है जैसे युद्ध वगैरह कर रहा है, तो सर मतलब अभिप्राय का कोई फर्क ही नहीं करा उसकी क्रिया पे उसके परिणाम पे। अभिप्राय में उसके है ना ये कि छोड़ने का अभिप्राय है उसको, उसके विरक्ति का भाव है, ये अभिप्राय से शुद्धता है ना, वो क्रिया और परिणाम मजबूरी में कर रहा है वो। तो सर क्रिया मतलब किस आधार पे होती है फिर उसकी क्रिया? तो देखो क्या है, जितने जितनी अभी कचास है उसके आधार पे क्रिया होती, क्रिया तो मनवचन काय की एक्टिविटी है सर, लेकिन अंदर कोई विकल्प होगा, अंदर कोई भाव होगा तब तो बाहर क्रिया होगी। हाँ तो परिणामों के देखो कोई भी, तो वो अभिप्राय की विशुद्धता एक सतत चल रही है और जो कमजोरी है उसके कारण से परिणाम उठा उस चीज का और उस परिणाम के कारण क्रिया हो रही है। ठीक सर, हो गया समाधान? मतलब एक तो ये समझ में आया कि अभिप्राय बिल्कुल अलग है और क्रिया और परिणाम ये दो अलग है। हाँ इतना जरूर सही है कि क्रिया और परिणाम यदि हम सुधारेंगे और उससे सही मार्ग पे चलेंगे, अभिप्राय सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और अभिप्राय हम सुधारेंगे तो हमारा उद्धार है। हम अपने सबसे पहले क्या है, क्रम यही है कि पहले क्रिया सुधरती है और फिर परिणाम सुधारे जाते हैं और फिर परिणाम के द्वारा अपना अभिप्राय सुधारा जाता है। जैसे हम मंदिर आए तो हमने क्रिया सुधारी, फिर हमने उसमें धर्म में अपना उपयोग लगाया तो हमने परिणाम सुधारे, और फिर हम परिणाम सुधारने के बाद हम ये समझे हमने अपने अभिप्राय को सुधारा। क्या अभिप्राय सुधारा कि अब तक हम जो भी काम संसार के लिए करते थे हमने संसार के लिए करना छोड़ के हमने मोक्ष के लिए करना प्रारंभ किया, हमारे अंदर में अभिप्राय में परिवर्तन आना चालू हुआ ना। तो ये कब से हुआ? जब हमारे परिणाम थोड़े सुधरे तो हमारे अभिप्राय में भी शुद्धि आना चालू हुई, तो हुआ क्रम क्रम से। ऐसा नहीं कि कोई मंदिर आए बिना उसका परिणाम सुधर जाएगा और परिणाम सुधरे बिना उसका अभिप्राय सुधर जाएगा, हर चीज क्रम क्रम से होती है। हम कोई काम करते हैं पहले, फिर एक्टिविटी करके हम अपने परिणामों को सुधारते हैं, फिर उससे हम जब समझते हैं तो हमारा अभिप्राय सुधरता है, अभिप्राय ऑटोमेटिक सुधरता है, और क्रिया और परिणाम अपने को सुधारने में अपना उपयोग लगाना पड़ता है। जो जो अभिप्राय सुधरता है समझ से, और क्रिया और परिणाम सुधरते हैं एक्टिविटी से या बाहर के अंदर उपयोग लगाने से। मन में उपयोग लगाया अपन ने, परिणाम सुधर गए, क्रिया को कहीं पे इन्वॉल्व किया क्रिया सुधर गई, लेकिन अभिप्राय कैसे सुधरेगा? सर एक्चुअली प्रॉब्लम प्रश्न वहां पर रेज होता है कि चौथे और पांचवें गुणस्थान वाले जब तक पॉजिटिव क्रिया बाहर करते हैं तब तक तो क्वेश्चन उठते ही नहीं है, जब कोई नेगेटिव क्रिया करते हैं जैसे अपन शास्त्र में पढ़ते हैं चौथा वाला युद्ध करता है और पांचवें वाला व्यापार अधिक करता है, कोई नेगेटिव चीज करता है तभी क्वेश्चन उठ जाता है कि इनके अभिप्राय में क्या है, और अभिप्राय अगर इनका निर्मल है अच्छा है सब बढ़िया है तो बाहर में क्रिया ऐसी क्यों? नहीं नहीं क्रिया वो तो क्रिया क्यों दिखती है क्योंकि उत्ती कषाय का अभी सद्भाव है इसलिए वो क्रिया दिख रही है, तो वो जो क्रिया है वो उस कषाय का कार्य है। जी सर, क्योंकि सर्वथा कषाय का अभाव तो हुआ नहीं है ना, अभी जितनी कषाय चौकड़ी का सद्भाव है उसके कारण से उतनी सराग रूप क्रिया भी देखने में आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि वो सराग रूप क्रिया होते हुए भी उस सरागता का अभाव करके वो वितरागता प्रकट करना चाहता है क्योंकि उसके अभिप्राय की निर्मलता बहुत अच्छी है, इसलिए उस अभिप्राय की निर्मलता को देखते हुए अपन कह रहे हैं कि जीव बहुत अच्छा है। और दूसरा जीव ऐसा है कि जिसके भले ही परिणाम अभी मतलब अच्छे लग रहे हैं लेकिन उसका अभिप्राय ये है कि इससे मुझे सराग रूप राग की जो राग रूप परिणाम है वो मुझे प्राप्त हो, तो वो राग की वांछा वाला है, तो एक को राग की इच्छा है और एक को वीतरागता की इच्छा है, तो दोनों में अंतर बहुत है, क्योंकि जो जो है जो भविष्य में ये चाहता है कि मुझे इस जाति का राग हो और उस राग में उसकी सुख बुद्धि बैठी हुई है, वो ये सोचता है कि ऐसा राग होएगा तो सुख ज्यादा होएगा, तो वो राग मुझे हो
तो मुझे मजा आएगा। जैसे समझ लो कि मेरी ये भावना है कि मेरे को कल खाने की चीज मिलेगी, खाने की चीज मिलेगी तो क्या होगा, खूब राग होगा, और राग होगा तो क्या होगा, सुख आएगा। तो मैं उस राग रंजित राग जन्य सुख को चाह रहा हूं। और एक के अभिप्राय ये कि मुझे वो राग उत्पन्न न हो, मुझे वीतरागता रूप सुख की प्राप्ति हो, मुझे इस राग की पीड़ा ही नहीं हो, तो वो वीतराग सुख का अभिलाषी, इसलिए अंतर है दोनों। हाँ बोलो आप प्रीतेश जी। मेरा कोई ऐसा बहुत वो बड़ा प्रश्न नहीं, सिर्फ मैं तो इतनी सी चीज पूछना चाह रहा हूँ, जो परिणाम है इसको क्या रिजल्टेंट बोल सकते हैं क्या, बहुत समय के तो जो परिणाम मतलब रिजल्टेंट हुआ एक तरह से देखा जाए कि बहुत समय छोटे छोटे समय का जो कुछ भार हमको दिखने लगा वो परिणाम, अभी भी आपने भी एक बोला था कि वो परिणाम उससे सुधर जाएगा बहुत समय ऐसा करते रहेंगे, हालांकि नहीं मेरे समझ में नहीं आया क्वेश्चन पूरी तरह से। क्वेश्चन समझ में आने परिणाम का एक्चुअली अगर अपन शाब्दिक करते से समझे तो उसको ये बोल सकते हैं रिजल्टेंट या परिणाम का कोई शाब्दिक नहीं, परिणाम माने रिजल्ट तो ही नहीं है, परिणाम माने रिजल्ट नहीं है वो अलग, परिणाम माने जीव के भाव नहीं, वो तो वो ऐसे में समझ सकते हैं, सिर्फ अगर शाब्दिक अपन इसको निकालना चाहे नहीं, शाब्दिक छोड़ दो अभी आप, परिणाम के अनेक अर्थ है, जीव के परिणति को भी परिणाम कहते हैं, पर्याय को भी परिणाम कहते हैं, बहुत शब्द एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ परिणाम का अर्थ रिजल्ट नहीं, जीव के भाव है, जीव के भाव तो वर्तमान वर्तमान रूप भाव, वर्तमान जीव का प्रेजेंट रूप जो भाव है वो परिणाम है, और जीव की जो शरीर की एक्टिविटी है वो क्रिया है, और अंदर में जो जीव का इंटेंशन है वो अभिप्राय है। ठीक, मैं तो सिर्फ उसको क्लासिफाई कर रहा था समझ। हाँ बोलो अखिलेश जी। अभिप्राय जो है वो तो दर्शन भाव से रिलेटेड है ना, सिद्धांत से रिलेटेड है, और परिणाम जो है वो चारित्र मोह राग द्वेष से रिलेटेड है। अभिप्राय तो सिद्धांत संबंधी भूल हो गई ना सर। हाँ, तो बहुत बड़ी भूल है वो बड़ी भूल है, और चारित्र से रिलेटेड है राग द्वेष जो अस्थिरता जन्य जो उठते हैं। हाँ, और ये जो क्रिया है उसका तो मन वचन का है कि क्रिया जो भी है वो तो पूरी फिजिकल एक्टिविटी है, हो सकता है क्रिया कुछ और चल रही है, परिणाम कुछ और चल रहा है। ठीक है चले आगे। तो ये इसलिए दस स्थान जो है ये क्लियर कट ये बोलते हैं कि भाई किस जाति के जीव के परिणाम होने पर माने अंदर की वीतरागता से निर्जरा का संबंध है, जितनी कषाय चुपड़ी का अभाव उतनी निर्जरा है, क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। यही बात मोक्षण प्रकाशक में भी कही है, कहाँ कही है मालूम है किसी को? तीसरे अधिकार में नहीं है, सातवें अध्याय में, अखिलेश जी सही बात, सातवें अध्याय में कहाँ है मालूम है? देखो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं एक मिनट।
निकाली किसी ने? बोलो पूर्वी, क्या बोलना है? प्रश्न है एक मेरा। हाँ, जैसे क्रिया तो चलो बाहर से उसमें तो अपन हो रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं और अंदर अपना कुछ और है, लेकिन जो परिणाम और अभिप्राय है वो तो सब अंदर क्या है ना, तो मतलब परिणाम और अभिप्राय में किसी डिफरेंस आ सकता है? परिणाम और अभिप्राय में कैसे डिफरेंस हो सकता है? चलो क्रिया तो आउटर है, वे कैसे डिफरेंस हो सकता है? इंटेंशन और वर्तमान परिणाम किस, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत मीठी, अभी वर्तमान में बहुत मीठे से बात कर रहे हैं सब, लेकिन मेरा अभिप्राय कुछ और हो सकता है ना, खैर ये तो आपको लगेगा परिणाम भी मेरा खोटा है। भगवान की पूजा करने में उपयोग पूरा पूजा में है, लेकिन अभिप्राय में विषय कषाय है। परिणाम ये है भाव कि इसके फल में मुझे पुत्रादिक की प्राप्ति हो, रोग का नाश हो। जैसे समझ लो अभी कोई शांति विधान कर रहे हैं लोग बहुत सारे, तो उनका अभिप्राय क्या है? COVID-19 चले जाए, कोरोना वायरस चले जाए, तो कर रहे हैं शांति विधान ही, लेकिन अभिप्राय खोटा है ना। आया समझ में पूर्वी? जनरल लाइफ में समझ भी नहीं आ रहा वैसे कि कैसे ये अपन कुछ काम कर रहे हैं तो अपना परिणाम उसमें लगेगा, तभी तो अपन अभिप्राय अच्छा होगा, तभी तो अपन वो परिणाम करेंगे। नहीं नहीं, अभिप्राय कई बार अपना विपरीत हो और परिणाम उस समय वर्तमान में अपन उसमें लगाया हो, कोई काम अभी अपन वर्तमान में ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन अपना उसका भाव ये है, उसके अभिप्राय उसके फल की उसका फल हमें ये मिले, हम शुभोपयोग रूप परिणाम कर रहे हैं, लेकिन हमका हमारा भाव ये है कि इसके फल में हमको भोग की सामग्री प्राप्त, देवगति की प्राप्ति हो। स्वाध्याय कर रहे हैं, पुण्य बंधे, पुण्य से देवगति मिले, देवगति से भोग मिले, तो अभिप्राय भोगों का हुआ ना। नहीं हो सकता ऐसा? अच्छे से पढ़ रहे हैं हम, समझ लो किताब हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमारे मार्क्स बहुत अच्छा है, तो हम पढ़ने में उपयोग लगा रहे हैं, लेकिन हमारा हमारा अभिप्राय क्या है? मार्क्स अच्छा है मतलब हमारा ख्याति मिले, पूजा हो, लाभ हो, सम्मान हो, ये नहीं हो सकता। ये किताब भी पढ़ रहे हो आप, समझ लो जिनवाड़ी ही पढ़ रहे हो आप, लेकिन आपका इंटेंशन ये हो कि भाई मेरा जो है प्रश्न मंच में मेरे को अच्छा इनाम मिल जाए, प्राइज मिल जाए। आप बैठे हो म्यूजिक तंबोला में, आप भजन में ही अपने उपयोग को लगाए हुए हो, भजन अच्छी भक्ति भाव से गा रहे हो, लेकिन आपका अभिप्राय है कि मेरे का प्राइज मिल जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग के वर्तमान परिणाम अच्छे होते हैं, लेकिन उनके इंटेंशन कुछ और होते हैं। ठीक है, तो क्रिया परिणाम अभिप्राय, हाँ 90% क्रिया परिणाम अभिप्राय सेम ही रहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा अभिप्राय का पूरा संबंध श्रद्धा से है, और श्रद्धा जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, और श्रद्धा की निर्मलता होती है तत्व का श्रद्धान होने पर। जब तक तत्व का श्रद्धान नहीं होता है तब तक अभिप्राय विपरीत ही रहता है, और जब तत्व का श्रद्धान हो जाता है तो अभिप्राय बिल्कुल निर्मल हो जाता है, फिर क्रिया और परिणाम में कमी भी हो तो वो उसको सुधारने का प्रयत्न करता है। ठीक आगे देखो 209 पेज पे कहाँ पे है ये, जहाँ भी है एक मिनट, अपन इसको निकालते हैं, पेज नंबर क्या 209 एक है, 232 पे निकाला है अपन ने, 232 पे एक। मिला सबको ये? पढ़ो, कौन पढ़ेगा ये? नए से पढ़वाते हैं किसी से, एक मिनट। चलो ज्योति जी पढ़िए आप, देखो से
देखो चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्र अभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं, बंद भी बहुत होता है। और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवनादि कार्य करे, वहां भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंद भी थोड़ा होता है। तथा पंचम गुण स्थान वाला उपवासादि या प्रायश्चित तप करे, उसे उस काल भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है। और छठे गुण स्थान वाला आहार विहारादि क्रिया करे, उस काल में भी उसके निर्जरा बहुत होती है तथा बंद भी उससे थोड़ा होता है। आया समझ में? देखो अभी तो आया समझ में, कितना क्लियर कट है। क्या समझ में आया, कौन समझाएगा? अभिषेक भाई कुछ पूछना है? नहीं, समझाने का बोल रहा था सर। अच्छा अच्छा, एक सेकंड कोशिश करता हूँ सर समझाने की। एक सेकंड रुकना, तो मैं भी और किसी का हाथ खड़ा किया उससे पूछ ले पहले एक बार। शैलेन जी बोलो आप। निर्जरा का जो बताया है 230 पेज पे भी बताया है, निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप। हाँ, यहाँ अंशदादी तत्व निर्जरा मानता। कौन बोल रहा है? होती नहीं है। हाँ, आइए तब तो शुद्ध उपयोग बढ़ा दे के अर्थ करते हैं। हाँ, शुद्ध उपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तत्व को भी निर्जरा का कारण कहा है। हाँ, यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो तिरंजय आदि भी भूख शादी सहते है। हाँ, तब वह कहता है वे तो पराधीनता से सहते है, पराधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवासी तप करके उसे निर्जरा होती है। हाँ, तो धर्मा बुद्धि से बाह्य उपवासी तो किए परंतु वह उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसा परिणित हो वैसा परिणाम हो। हाँ, बहुत उपवासी करते थे बहुत निर्जरा हो तो थोड़े कर देते थोड़ी निर्जरा हो ऐसा नियम ठहरे तो तब तो उपवास आदि की भी मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा, वो बनता नहीं है। हाँ, परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है? हाँ, यदि ऐसा कहे जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बंद निर्जरा है तो उपवास आदि तब मुख्य निर्जरा कारण कैसे रहा? अशुभ शुभ परिणाम बंद के कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। बराबर है, ये इसके पहले का है, देखो ये यहाँ है 230 पेज पे, ये रहा है। एक नंबर 230 पे निर्जरा तत्वों का अन्यथा रूप, ये वही है, अपन वही तो है, स्क्रीन यही तो दिख रही है। ठीक है, हाँ भाई पढ़ो आप, तो ये निकाल दूंगा मैं लाइन पढ़ना है। एकादोर प्रश्न, तत्वार सूची में तत्सा निर्जरा च ऐसा कैसे कहा है? हाँ, ये आ गया ना, देखो समाधान, शास्त्र में इच्छा निरोध स्तप ऐसा कहा है। हाँ, एक मिनट है ना, इसको शुरू से पढ़ना हो, जिसको कौन पढ़ेगा ये शुरू से पढ़वा लेते हैं और आराम से समझाते हो, कौन पढ़ेगा ये? आप ही पढ़ोगे, आराम से पढ़ना, एक पैराग्राफ पहला फर्स्ट वाला पैराग्राफ। एक मिनट, अपन ढूंढते हैं किसी को, कोई को समझाना। श्वेता जी एक मिनट शैलेन जी, श्वेता जी कुछ पूछना है, इनको पूछवा लेते हैं पहले। हेलो। हाँ बोलिए।
सर जो अभी अपन ने पांच छह लाइनें पढ़ी चौथे गुणस्थान और पांचवे गुणस्थान की, तो उसमें सर परिणाम और डिफरेंस है क्या है? क्या जो अभी हमने इसके पहले लाइन पढ़ी ना, चौथा गुणस्थान और पांचवा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान शास्त्र अभ्यास है और वाला जो अपने पैराग्राफ, उसमें परम और अभिप्राय की डिफरेंस है उसमें? अभी एक्चुअली उसमें ना कषाय चौकड़ी के अभाव का अंतर है, पहले से दूसरे वाले चौथे वाले से पांचवे वाले के कषाय चौकड़ी का अभाव अधिक है। कषाय चौकड़ी का अभाव होने से क्या शुद्ध परिणति ज्यादा है उसके, तो वो कंटिन्यूस चल रही है। वो एफडी का मैंने एग्जांपल दिया था ना, इसलिए दिया था कि उसके एफडी रूप मैंने शुद्ध परिणति की इनकम 24 घंटे है। शुद्ध उपयोग रूप इनकम तो कभी कभी होगी जब उपयोग शुद्ध मतलब उपयोग की निर्मलता होगी, लेकिन उसकी जो निरंतर सतत जो शुद्ध परिणति धारा चल रही है दो कषाय के अभाव रूप, उससे उसकी शुद्धता उस दो कषाय के अभाव रूप शुद्धता से उसके निर्जरा 24 घंटे है, और मुनिराज के तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से निर्जरा 24 घंटे और ज्यादा है। तो ये क्या कषाय का अभाव होने से क्या होता है, उस जीव के निर्जरा बढ़ जाती है, भले ही आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन उस जाति की कषाय का अभाव है तो उतनी शुद्धता तो है। क्या एक मिनट अनम्यूट करता हूँ, क्या मैं बोल रही हूँ कि हम जो गुणस्थान है उसमें हम अपेक्षा लेंगे वो कषाय के हिसाब से ही लेंगे क्या? हाँ कषाय की अपेक्षा से ही गुणस्थान का ऊपर नीचे लेंगे। दो है गुणस्थान के अंदर जो है ना, एक तो मिथ्यात्व और एक कषाय, इन दो चीजों से गुणस्थान का ऊपर नीचे बढ़ना होता है। अच्छा, जैसे मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो पहले से चौथा हुआ, और चौथे के बाद और कषाय का अभाव हुआ तो और गुणस्थान की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हाँ कौन किसको समझाने का भाव है ये निर्जरा तत्व की भूल? शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई समझा भी दे थोड़ा। कौन करेगा समझाने का काम? समझाया कोई? नहीं, मेरे को ही काम करना पड़ेगा ये देखते। चलो ठीक है, चलते अपन आगे। एक मिनट है ना, देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ तो लो। चलो आप किससे पढ़वाए अपन? भारती जी से पढ़वाते, भारती गांधी जी से पढ़िए। निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप पढ़ो आप। हाँ। तथा अनादि अंशनादि तप से निर्जरा मानता है, परंतु केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो शुद्ध उपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं, शुद्ध उपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो तिर्यंचादि भी भूख तृष्णादि सहते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ तक किसी को समझ में आया सबको? कौन समझाएगा इसको? समझा दो इन चार लाइनों को, थोड़ा मेरा काम हल्का हो जाएगा। चलो कीर्ति जी बोल रही, मैं समझाऊंगी। समझाओ कीर्ति जी, आराम से, जल्दी, कोई जल्दी नहीं अपने को, शांति से। हाँ तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अनशन आदि तप से निर्जरा मानता है, जो बस बाय में तप कर रहे अनशन आदि वगैरह, लेकिन बाह्य तप करने से तो निर्जरा होती नहीं है। अब जो दूसरी लाइन दी है कि बाह्य तप करने का अभिप्राय क्या है, तो बाह्य तप जो सच्चे अभिप्राय से करते हैं वो इसलिए करते हैं उनका
इन सब क्रियाओं में काम बच है जो बाहर की खाना खाना आहार जाना या और कुछ है, और अपने शुद्ध उपयोग बढ़ाए अपनी आत्मा में लीन रहे, इसलिए उपचार से बोला है कि ये तब भी निर्जरा का कारण है। क्योंकि उनका अभिप्राय ये नहीं है कि मैं कष्ट दे रहा हूँ, और दूसरा अभिप्राय क्या होगा जिसको अभिप्राय सही नहीं है और वो तप कर रहा है, तो वो क्या समझेगा ये तप मैं कर रहा हूँ और मेरे को बहुत उसको मान भी आ सकता है कि मैंने 10 व्रत करे और मैंने 5 व्रत करे। उसका अभिप्राय ये नहीं है कि मैं व्रत क्यों कर रहा हूँ, उसका अभिप्राय है कि व्रत इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी मान बढ़ रही है और वो कुछ समझ रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ इससे। जबकि उसका अभिप्राय नहीं कि बचा के मैं अपनी आत्मा में लगा रहा हूँ टाइम और अपना शुद्ध उपयोग बढ़ा रहा हूँ। इसलिए अभिप्राय मूल है, और इसलिए ने बोला कि शुद्ध उपयोग बढ़ाने में अगर तप लग रहा है तो निर्जरा का कारण है, लेकिन अगर शुद्ध उपयोग बढ़ाने में नहीं लग रहा है तो वो निर्जरा का कारण नहीं है। फिर एग्जाम्पल दिया उन्होंने त्रियंश आदि का कि वो भी सह रहे हैं, वो भी नग्न रह रहे हैं और गर्मी सब सह रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है निर्जरा। एक एक सबसे बड़ी भूल उन्होंने उसकी मिथ्या दृष्टि की इसमें निकाली, पकड़ में आई वो क्या, वो क्या मानता है तप को निर्जरा बताना? नहीं नहीं, वो ये मानता है कि दुख सहना निर्जरा, दुख सहना जो अनेक लोगों को ये है ना कि लोग ये मानते हैं कि जितना दुख सहेंगे उतने कर्मों की निर्जरा ज्यादा होगी। मैंने हमने उपवास किए, 10-10 उपवास किए तो हमने कष्ट ज्यादा सहन किए, एक वाले के कष्ट कम होता है, 3 वाले के कष्ट ज्यादा होते हैं, 5 वाले के और कष्ट ज्यादा, और 10 वाला तो बेचारा मर ही रहा है, तो जो मर ही रहा है उसके तो निर्जरा बहुत ज्यादा होगी। मैंने भाई कष्ट सहने को, दुख सहने को हम निर्जरा मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? माने जितने डंडे पड़े उतनी निर्जरा ज्यादा, निर्जरा का संबंध डंडे पड़ना है। सब डंडे लेके आओ, कल एक दूसरे को मारो, खूब निर्जरा होगी, मोक्ष तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा अधिकांश लोग समझते हैं। तो उसका क्या उत्तर दिया उसने देखो, यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो प्रश्न की त्रियंश आदि तो बहुत सहते हैं, भूख भी सहते हैं, प्यास भी सहते हैं, गर्मी सर्दी सब सहते हैं, तो उनके तो बहुत ज्यादा निर्जरा हो जाएगी। तुम्हारे तो एक दो ही उपास होते हैं बेचारे को, कई बार बिना पानी मिले 3-3 उपास करने पड़ते हैं। तो उसने क्या उत्तर दिया फिर उसका, अनुराग जी पढ़िए। तब वह कहता है वे तो पराधीनता से सहते हैं। हाँ, वो क्या कह रहा है, उसने क्या कहा फिर? स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि रूप तप करे उसके निर्जरा है। हाँ, मतलब उसने दूसरा दांव फेंका, उसने क्या कहा कि वो जो त्रियंश आदि के तुम कह रहे हो कि वो उनके निर्जरा हो जाएगी भूख प्यास सहने से, तो उनके इसलिए नहीं होगी, क्यों नहीं होगी उनके? क्योंकि पराधीनता से सह रहे हैं। हाँ, और हम कैसे सह रहे हैं? स्वाधीनता से, स्वाधीनता से कर रहे हैं, तो हम तो धर्म बुद्धि से कर रहे हैं, और वो धर्म बुद्धि से तो ही नहीं कर रहा हो, तो बेचारा पराधीनता से कर रहा है, तो इसलिए हमारे निर्जरा होगी क्योंकि हम धर्म बुद्धि से कर रहे हैं, और वो बेचारा पराधीनता से कर रहा है, मतलब उसको मजबूरी में कर रहा है, इसलिए उसके निर्जरा नहीं होगी। इसका समाधान क्या दिया देखो, पढ़ते हैं, पढ़िए अनुराग जी। धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए और वहां उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणम हो। हाँ, तो चलेगा क्या बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि उपवास में मूवी देखेंगे तो निर्जरा होगी? पाप बंद होगा। मतलब उपवास में अपन अल्टीमेटली परिणामों से ही निर्जरा मानेंगे ना, कि उपवास करने मात्र से निर्जरा मानेंगे। उपवास करके अच्छे गार्डन में घूमने जाओ, कि एक हमारे मिलने वाले थे वो कहते थे कि उपवास तो हम अष्टमी 14 का करते ना, तो हमारा प्रयोजन यही है कि भाई उपवास के दिन सारे काम हो जाते हैं, हमारे जितने कपड़े धोने होते हैं बोले मैं अष्टमी को सारे कपड़े धुल जाते हैं, क्या 14 को पूरे पोते लग जाते हैं। तो अष्टमी 14 को काम कर रहे हैं ना भैया जी, कोई 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 उससे जो है वो उसमें कोई मतलब उसका प्रयोजन नहीं है कि भाई मेरे परिणाम निर्मल हो। उनका अभिप्राय तो संसारिक काल है, विषय कषाय है, तो उनके निर्जरा होगी कि नहीं होगी बताओ, बताओ सब लोग। नहीं होगी, नहीं होगी ना, क्यों नहीं होगी? परिणाम खोटा है, मतलब चाहे जैसा परिणाम चलेगा क्या? उपवास करके भी हमारी परिणति चाहे जैसी हो तो चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो ये इन्होंने कहा, इसलिए आगे देखो, आगे पढ़ो। पर यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़े करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे तब तो उपवास आदि ही मुख्य निर्जरा कारण ठहरेगा, निर्जरा का कारण ठहरेगा। सो तो बनता नहीं, परिणाम दुष्ट होने पर
उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है? हाँ, ये तो अपन सबसे पूछते हैं, एक सेकंड है। बताओ भाई, ये बहुत सब तरह के लोग हैं, अभी परिणाम दुष्ट होने पर निर्जरा संभव है कि नहीं है? संभव है? एक मिनट, नहीं, पूर्वी का एक पूछना है, एक मिनट, क्या पूर्वी कहां गई? नहीं नहीं, सभी का कहना है नहीं। हाँ बोलो पूर्वी, क्या कहना है? नहीं संभव है सर, अभी परीक्षण चल रहे, 10 दिन में खाई होगी सब्जी, मिली नहीं रही थी, तो ऐसे कोई हो थोड़ी कि उसकी निर्जरा हो जाएगी सब। हाँ, या अपन अभी अपन खाना नॉर्मल खाएंगे, अच्छे से खाएंगे तो। हाँ, अभी अपने क्लास गर्म पानी के बाद, पूर्वी यदि मजबूरी चल रही है तुम्हारी सब्जी की, तो क्लास खत्म हो जाए अपनी, उसके बाद अपन 2 मिनट का टाइम रख देंगे तुमसे, यदि कोई किसी को कुछ बताना हो तुमको सब्जी का कोई उपाय पूछ लेना तुम। परंतु ये क्लियर हुआ ना ये पे? अब देखो अपन आगे पढ़ते हैं 2 मिनट और, बस फिर उसके बाद अपना टाइम पूरा होना आया। एक सेकंड, आप पढ़ो, पढ़िए अनुराग जी। यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बंद निर्जरा है, तो उपवास आदि तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा? अशुभ शुभ परिणाम बंद के कारण ठहरे और शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। बस सबसे बढ़िया बात कही है, ये आई समझ में सबको? आ गई है कि यदि जैसा परिणाम होगा उसके अनुसार यदि बंद निर्जरा मानोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उपवास वो मुख्य निर्जरा का कारण नहीं ठहरा, तो फिर निर्जरा कारण कौन ठहरा? परिणाम। शुभ परिणाम होगा शुभ बंद होगा, अशुभ परिणाम होगा अशुभ बंद होगा, शुद्ध परिणाम होंगे निर्जरा होगी। उपवास तो साधन है, परिणाम सुधारने का साधन है, वास्तव में उपवास खुद ही अपने आप में निर्जरा का कारण नहीं है। उपवास करने से हमारे शुद्धोपयोग रूप परिणाम की वृद्धि हो तो उससे निर्जरा होगी। निर्जरा का कारण शुद्धोपयोग रूप परिणाम है, उपवास मात्र नहीं है। उपवास मात्र होता तो त्रियंश आदि के उपवास होने पर निर्जरा हो जाती, लेकिन नहीं होती उनकी। अभी कितने ही लोगों को खाना नहीं मिला, एकदम अचानक लॉकडाउन हो गया, खाने को नहीं मिला, भूख रही उनके, एक एक दिन तक कई लोगों को खाने को नहीं मिला, तो नहीं मिला तो उनके निर्जरा हुई क्या? नहीं हुई ना, क्योंकि परिणाम निर्जरा के नहीं थे उस जाति के, परिणाम में तो शुभाशुभ परिणाम थे, तो उस जाति के बंद होगा, निर्जरा नहीं होगी। ठीक है, अभी अपन कल पढ़ेंगे ये, अभी यहाँ तक कहा? प्रीतेश जी का कोई प्रश्न है, एक मिनट पूछ लेते हैं उनसे क्या है। प्रीतेश जी बोलिए। मैं पूछ रहा था कि जैसे सब जगह परिणाम और क्रिया ही लेके चले, अभिप्राय को कहीं भी कोट नहीं करा, अभिप्राय को जनरली कहीं भी कोट गुण स्थान में इनमें सब में, तो वो कहाँ है अंदर, कहाँ रिलेट करता, मतलब कहाँ से जोड़ के देखे? क्या क्या वापिस से बोलना क्या? जैसे जहाँ भी लिखा परिणाम और क्रिया की बातें लिखी हमेशा, कभी भी अभिप्राय डायरेक्ट शब्द लिखते हुए कहीं भी गुण स्थान में भी निर्जरा में भी परिणाम, अभी यहाँ पे भी अपन ने पढ़ा तो परिणाम ही आया, अभिप्राय को कहीं कोड नहीं करा ऐसे डायरेक्टली, मैंने तो जहां तक देखा था जितना आपने मिलता। नहीं, अभिप्राय की बात करते हैं यहाँ, तो अभी वो पहले उसको क्रिया से परिणाम पे तो लेके आए, उपवास वाला आदमी तो इतना पक्का है कि वो क्रिया पे डटा हुआ है, अभी हम उसको कम से कम वहां तक तो उठा के लेके आए ना, उसको अभिप्राय भी बाद में सुधारेंगे, अभी उसका उपयोग तो क्रिया से परिणाम पे ही नहीं जा रहा है। 90% लोग तो ऐसे हैं जिनकी दृष्टि है कि क्रिया से ही सब कुछ होना है, परिणाम वरणाम कोई चीज ही नहीं है, अब उनको अपन क्या अभिप्राय की बात करें, अभी पहले उनके परिणाम ही सुधर जाए तो ही बहुत बड़ी बात हो जाए, वो सेकंड लेवल का काम है। ठीक है, और कोई? अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर अपन अगला प्रोग्राम अपने को चालू करेंगे। अपन जिनवाणी के ज्ञान ते सुजे लोका लोक सोवाणी मस्तक नमू सदा देतों लोक।